गोंडा में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई। युवक के पिता ने पुलिस पर पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। नवाबगंज के जैतपुर चौहान पुरवा इलाके में बीते दिनों झोला छाप की हत्या हो गई थी। इस मामले में पुलिस एक युवक को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही थी। नवाबगंज और SOG की पूछताछ में युवक की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं SSP आकाश तोमर ने नवाबगंज थाना अध्यक्ष तेज प्रताप सिंह, SOG प्रभारी अमित यादव को सस्पेंड कर दिया। थाना अध्यक्ष के खिलाफ उन्हीं के थाने में FIR दर्ज की गई है। जी हाँ, आपको बता दें, जिला अस्पताल पहुंचे पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि बीते दिनों हुई एक हत्या के मामले में पूछताछ के लिए एक युवक को थाने में लाया गया था। परिवार वाले भी वहीं मौजूद थे। युवक से अलग पूछताछ की जा रही थी। जैसा कि वहां पर उपस्थित थाने वालों ने बताया कि पूछताछ के दौरान उसकी तबीयत खराब हुई, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यहाँ पर मैंने मृतक युवक की बॉडी देखी है, कोई विजिबल इंजरी नहीं है। पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके अलावा परिवार वाले जो भी तहरीर देंगे। फिलहाल नवाबगंज थाना अध्यक्ष और SOG प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।